हेलो एवरीवन आज इंटरनेशनल लेबर डे है और दो लाइनों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मज़दूर दिवस है और ऐसा ही टॉपिक इस दिन लेकर के जा रहा हूँ जो उन्हीं की देन है उन्हीं के मोमेंट्स की उन्हीं के रिवोल्यूशन की देन है जी मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूँ जो हमारे एन की बुक में है नाइन टेंथ का सिलेबस के अंदर ये आती है और आखिरी चैप्टर है और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं आज दस पंद्रह मिनट के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से इसको याद करेंगे ध्यान करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं देखो डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि कुछ सिटीजन्स के राइट्स हैं जिसको इंजॉय करता है और इनमें से भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल हैं जो विशेष हैं जिसके बिना डेमोक्रेसी अधूरी है तो आज हम वही बात करना चाहेंगे और इसको समझाने के लिए सबसे पहले दुनिया की ऐसी तीन घटनाओं का इन तीन देशों का जिक्र किया गया जहां अगर ये राइट्स ना हो तो क्या होगा जैसे 2001 में ट्विन टावर्स पर अमेरिका में अटैक हुआ अटैक करने वाले आतंकवादी थे निश्चित रूप से लेकिन जब वहाँ शक के तौर पर लोगों को पकड़ा गया तो लगभग 600 लोगों को जेल भेजा गया बिना बताए बिना कोई नोटिस दिए बिना जांच पड़ताल के 600 लोगों को एक बे है ग्वान्टामों बे नेवल स्टेशन है ये और अमेरिका के अंडर में आता है क्यूबा के नज़दीक है ये यहाँ पर इनको रखा गया और इनको जितने भी यात्राएँ दे सकते थे दी क्योंकि उसी समय किसी ने टोनी ब्लेयर को लिखा भी था कि इसी तरह से मेरे फादर वहाँ पर जेल मेहर में पूछना चाहता हूँ कि वो किस जुर्म में है क्योंकि वो भी उनको तब पता चला जब न्यूज़पेपर्स के थे नहीं तो पता ही नहीं चला कि कौन कहाँ गए तो वो एक एग्जाम्पल था एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी वहाँ कहा कि आप लोग ये गलत कर रहे हो लेकिन नहीं माना गया था तो ये उदाहरण था वहाँ उस समय का जो हमारी एन सी आर बुक्स में दिया हुआ है कि अगर अधिकार ना हो राइट्स को इंजॉय ना आ, कर सके किसी भी कारण से सिटीजन तो क्या कर सकते हैं अपनी सरकार क्या कर सकती है ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल कोसोवो का दिया गया है कोसोवो ये देखिए दिया हुआ है दो दो करोड़ के लगभग आबादी का तो एक छोटा सा देश बन गया है कोसोवो लेकिन ये कभी युगोसलवा में में हुआ करता था युगोसलोविया और वो भी कई भागों में जब बट गया ये सर्बिया भी उसी का हिस्सा था मॉन्टेग्रो भी उसी का हिस्सा था मेसिडोनिया भी उसी का हिस्सा था छह भागों में वो बट गया था और ये कोसोवो ये सर्बिया के अंडर में आता था और अरबेनियन लोग इसमें रहते थे जो माइनॉरिटी में थे सर्बिया सब लोग जो है वो मेजॉरिटी में थे तो यहाँ का जो इलेक्टेड uh, आप ये कहें कि जो हेड है उन्होंने यहाँ पर इनको इन पर अत्याचार शुरू करना शुरू कर दिया और ये ये कहानी भी बताते हैं एक सेवेंटी फोर ईयर्स लेडी है वो अब ने अपनी कहानी बताई कि कैसे सर्बियन फोर्सेस ने मेरे घर पर आकर के मेरे हस्बैंड को मेरे सामने सूट किया और फिर मेरे घर को आग लगा दी और मैं बारिश के दिन में भी बाहर सिर्फ अपने उन कपड़ों में जो पहने हुए थी उसमें बाहर खड़ी थी तो ये एक एग्जाम्पल था कि ऐसा देश जो स्वयं ही अपने सरकार जो स्वयं ही अपने नागरिकों पर एक आ, उनके अधिकारों पर का हनन कर रही है उन पर अत्याचार कर रही है ये यह यहाँ पर एक एग्जाम्पल था कि अगर राइट्स ना हो तो क्या हो सकता है एक आम नागरिक के साथ में ऐसे ही सऊदी अरबिया सऊदी अरब में बड़ा रिच कंट्री माना जाता है मुनार्ची है राजा जिस प्रकार से होता है और इसके अंदर जज भी वही बनाते हैं एग्जीक्यूटिवस भी वही बनाते हैं नियम भी उन्हीं के हाथ में है सब कुछ एजुकेशन भी उन्हीं के हाथ में मनमानी है है वरना धर्म की आज़ादी है जो उनका आदेश होगा वही उनका कानून होगा किसी प्रकार की सिटीजन्स की भावनाओं का या किसी प्रकार से उनके डिग्निटी का कोई हिसाब किताब इसके अंदर नहीं है ये भी ये सिर्फ एग्जाम्पल तीन इसलिए दिए गए कि अगर राइट्स ना और आपको भी बहुत सी जगह ऐसा लगा होगा कॉमन लाइफ में भी कि कहीं ना कहीं किसी का फंडामेंटल राइट्स अगर हार्म होता है तो बड़े मुश्किल होती है लेकिन इंडिया ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के नाम से एक प्रोविज़न बना पार्ट थ्री में और उसके आर्टिकल्स ट्वेल्व से थर्टी फाइव तक बने बड़ी सुंदर चीज़ इसमें बनी और उसके कारण से जो असली जो डेमोक्रेसी है वो सामने आती है क्योंकि ये राइट्स हैं जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की आ, उसको एक इनिशियल एक एक कहते हैं फीचर है उसकी तो ये पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे मौलिक अधिकार जिसको हम बोल देते हैं पार्ट थ्री में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस कमेटी को हेड कर रहे थे जो कमेटी बनाई गई थी कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए तो फंडामेंटल राइट right है क्या ये थोड़ा सा समझ लें ये बहुत आसान सी बात है सीधी सी बात है अभी हमने तीन एग्जाम्पल दिए इसका मतलब सिटीजन के उन राइट्स को कमतर किया गया या उसको राइट्स नहीं दिए गए तो ये सब बातें हुई और अगर उसके पास राइट्स होते तो ये सब नहीं कर सकते थे इसका मतलब क्या था कि जो रूलर्स रूलर्स हैं या जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ लिमिट्स लगाते हैं राइट्स कि भी आपके भी कुछ लिमिट्स हैं वो लिमिट्स जो सेट होती हैं वही हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन एक सिटीजन के एक व्यक्ति के क्लेम्स हैं ओवर द फेलोबिंग्स कि उसका कोई जो भी फेलोबिंग उसके साथ रहते हैं वो या सोसाइटी या गवर्नमेंट मतलब उसके क्लेम्स हैं कि आप उनको उनसे नहीं छीन सकते या उनको उनसे नहीं ले सकते ऐसे कुछ राइट्स अधिकार उनके अपने हैं जिनको हमने प्रोविजन पार्ट थ्री में क्लियरली दिया है या यूं कहें कि राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स रीजनेबल क्लेम्स का शब्द क्यों बोला गया ये इसलिए भी कहा गया कि भाई आपके राइट्स बिल्कुल शुरू होते हैं जहां दूसरे की नाक शुरू होती है वहां तक यानी किसी दूसरे को आप नुकसान नहीं कह सकते आप दूसरे की खिड़कियों को नहीं तोड़ सकते अपने इंजॉयमेंट के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट है रिजनेबल क्लेम्स हैं रिकोगनाइज बाई सोसाइटी और सेंक्शन बाई लॉ जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं तो फंडामेंटल क्यों है क्योंकि ये बाकी लॉ से सुप्रीम है और कोई भी किसी भी इन राइट्स को अगर कम करता है या इनको छीनने की कोशिश करता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने राइट्स को बचाने के लिए और क्लेम कर सकता है अपने राइट्स को कि मुझे ये राइट्स मिलने चाहिए इन इसलिए हमारे यहाँ सात फंडामेंटल राइट्स इसमें से राइट टू प्रॉपर्टी था वो फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट ये जरूर याद रखें 1978 में उसको हटा लिया गया था तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी और ज़्यादातर मैंने अभी कहा कि ये लेबर डे है इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं इसलिए रिकॉग्नाइज करता हूँ आज कोविड नाइन्टीन जो वायरस है उसके कारण से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंटेनमेंट के कारण से या लॉकडाउन के कारण से वो लेबर को आ रही है और लेबर ही दुनिया को बनाने वाले हैं मैंने अभी ने कहा ना उन्होंने ही क्रांतियाँ की हैं जितने भी क्रांति किए हैं जितने भी मूवमेंट्स आए हैं जितने भी राइट्स की जो बात आई है उन्हीं की मूवमेंट से निकल कर आई तो आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनको भी रिकोगनाइज़ करें नहीं तो भविष्य में भी ये बात को भी सोचेंगे कि जब हम पर आपत्ति आई तो किन लोगों ने हमारा साथ दिया इसलिए बाकी सबकी जिम्मेवारी है जो लेबर नहीं है बल्कि इनसे काम कराते हैं तो वो उनकी जिम्मेवारी है कि आज हम उनकी सहायता करें ये बहुत ही ज़रूरी है सब गवर्नमेंट्स के लिए सारे स्टेट्स के लिए चैलेंज भी है तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे जितने भी राइट्स हैं ये इस प्रकार के मूवमेंट्स से निकल करके आए जैसे हमारा जो जस्टिस का जो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल का जो राइट है 1917 के रशियन का क्रांति से आया उस वह फ्रांस की जो क्रांति उसके उससे हमारा इक्वलिटी का लिबर्टी का फ्रेटर्निटी का ये सब चीज़ें निकल करके आई तो ये फंडा उन्हीं मोमेंट्स से आई इसलिए आज का दिन मैंने चुना कि फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पूरी दुनिया के लिए तो मैं इस रेफरल वर्ड को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इससे हमें थोड़ा सा याद रहता है कि राइट टू इक्वलिटी ई फॉर इक्वलिटी राइट टू फ्रीडम एफ फॉर फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन और ये जो हमारा जो आर है राइट टू रिलीजन राइट टू रिलीजन ये डबल आर जो है राइट टू रिलीजन के में आता है और पांचवा हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ई फॉर एजुकेशनल राइट्स और छठा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इस प्रकार से रेफरल वर्ड अगर हमें याद रहता है तो हम आसानी से इन छः फंडामेंटल राइट्स को याद रख सकते हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा इनका जिक्र कर लेते हैं जो आमतौर पर हमारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है और एक आम नागरिक को उनका जानकारी भी होनी चाहिए पहला राइट हमारा इक्वलिटी का राइट टू इक्वलिटी इसका मतलब लॉ की नज़रों में हम सब समान हैं रूल ऑफ लॉ है आर्टिकल फोटीन टू एटीन है कि हर व्यक्ति समान है डिग्निटी है उसकी अपनी अपने उसकी शान है अपना उसका स्टेटस है उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता उसको कोई कम नहीं कर सकता और इसीलिए इसी इक्वलिटी के कारण से ही हमारा आर्टिकल सेवनटीन था जिसने ये ऑफेंस माना अनटचेबिलिटी को मतलब छुआछूत को एक अपराध की श्रेणी में रखा इसी के कारण से इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी के कारण से बना था अगर इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से कास्ट क्रीड रिलीजन एरिया कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता सब अमीर गरीब सब लोग इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ ये हमारा ये यूँ कहें कि फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी का ये फाउंडेशन है ये जो हमारा अधिकार है राइट टू फ्रीडम किस प्रकार की आज़ादी कहीं भी जाने की आज़ादी घूमने की आज़ादी एसोसिएशन बनाने की आज़ादी कमाने की आज़ादी अपने आप को आगे बढ़ाने की आज़ादी तो ये राइट टू फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 से 22 के तहत ये हमारी है जिसको कोई भी छीन नहीं सकता और ये कोई भी नागरिक एंजॉय कर सकता है उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सोलेशन है ये आर्टिकल हमारे दो कारण से बने थे एक तो बहुत से लोग उस समय बेकार यानी सिर्फ खाना पीना देते उनको या बहुत कम पैसा दे करके अपने यहाँ बॉन्डेड लेबर की तरह से काम कराते थे आर्टिकल 23 कहता है कि ये जो है सही नहीं है ये ऑफेंस है और इसको आर्टिकल ट्वेंटी थ्री इसको लिमिट करता है बॉन्डेड लेबर को इसी प्रकार से आर्टिकल ट्वेंटी फोर चाइल्ड लेबर की बात करता है कि चौदह साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आप ऐसा काम नहीं दे सकते जो किसी भी प्रकार से रिस्क का काम है फैक्ट्रियों में या और कहीं पर भी है वो आप नहीं करा सकते तो ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में तो ये दोनों आर्टिकल आप देखेंगे आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइेशन है शोषण के विरुद्ध अधिकार है हर एक सिटीजन का है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी सीधी सी बात है सेकुलर कंट्री है इंडिया का और इसके अंदर किसी को किसी भी मज़हब धर्म को मानने की आज़ादी है पूजा पद्धति की आज़ादी है इसमें कोई किसी का भेदभाव नहीं कर सकता इसका मतलब ये भी है कि, कि कोई सरकार किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं दे सकती स्पॉन्सर नहीं कर सकती किसी धर्म विशेष पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है पांचवा राइट है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ये माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल बनाया है क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पावर का इंजॉय करेगी वो मेजॉरिटी uh, करेगी तो अगर माइनॉरिटीज़ हैं कहीं पर भी तो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए ये कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स बने हैं कि वो अपने कल्चर को अपनी उसको सहेज कर रख सकते हैं उसको बढ़ावा दे सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं ये स्पेशल राइट माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया आर्टिकल ट्वेंटी नाइन और थर्टी के अंदर सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इसका मतलब सीधा सा है कि ये सभी जितने भी राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं अगर ये ना हो ये अगर कोर्ट में इनका ठीक से प्रोडक्शन ना मिले तो फिर ये बेकार है इसलिए ये कहा गया कि हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है यानी वो जा सकता है कहाँ कोर्ट में कोई भी इनमें से राइट जैसे मान लीजिएगा कि राइट टू फ्रीडम है एक व्यक्ति को और अरेस्ट कर लिया है बिना किसी कारण से तो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्योंकि अरेस्ट करने पहले उसको बताना होगा क्यों अरेस्ट किया जा रहा है ट्वेंटी फोर आवर्स में उसको आ, कोर्ट में पेश करना होगा कि ये चार्जेज हैं क्योंकि इसके बगैर बात नहीं बनेगी इसलिए ये बड़ा जरूरी है तो ये तभी संभव है जब ये जो राइट्स है फंडामेंटल राइट ये बहुत मजबूत हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिट, सिटीजन को हर व्यक्ति को इद, अधिकार दिया गया है कि वो कोर्ट में जा सकता है कोई भी अगर फंडामेंटल राइट उसका हर्ट होता है तो इसलिए इस ये जो राइट है इसको गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है बहुत बार क्वेश्चन आता है विच फंडामेंटल राइट इज कोल्ड गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी ये इम्पॉर्टेंट है ये हमारे छः फंडामेंटल राइट्स हैं मुझे उम्मीद है आज के दिन ये वीडियो आपको पसंद आया होगा थैंक यू वेरी मच